नमस्कार, आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग माइंड के दो चार वो वर्ड है उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक वर्ड है एब्सेंट माइंडेड कॉमा अन ऑब्जर्विंग, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, और तीसरा है ऑब्जर्व्ड और ब्रूडिंग। यही सब है, तीन चार गो हेड रूब्रिक है। तो इसी वर्ड को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तनी आगे बढ़ने से पहले आप सबसे तनी निवेदन है भाई कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और तनी जोश खरोश से आप लोगों के सामने आऊँ। अच्छा लगता है, उमंग होता है, उत्साह बढ़ता है। तो वो सब करने से थोड़ा मच चुकी है। अब चलिए तनी अब समझें एक को, ये सब जो है से कि इम्पोर्टेंट है, प्रायः कन्फ्यूजन होते रहता है। तो एब्सेंट माइंडेड है। एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी है शून्यचित्त, भुलक्कड़, दुचित्ता, खोया खोया, गैरहाजिर, अनुपस्थित, ये सब है एब्सेंट माइंडेड। अब इसका डिक्शनरी मीनिंग है, एंड एब्सेंट माइंडेड पर्सन इज वेरी फॉरगेटफुल और डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट दे आर डूइंग। कहने का इसका हिंदी हुआ कि एब्सेंट माइंडेड पर्सन बहुत ज्यादा भुलक्कड़ होता है, और जब वो कुछ कर रहा होता है तो उस पर वो ध्यान नहीं देता है। तो ये हो गया, जो उस पर कर रहा है उस पर उसको ध्यान में नहीं जाता है, कुछ कर रहा है तो ये हो गया एब्सेंट माइंडेड। उन्होंने माइंड उसका वहां पर एब्सेंट है, प्रेजेंट ना है। एक है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लॉस्ट इन थॉट एंड अनअवेयर ऑफ वन्स सराउंडिंग्स और एक्शंस, माने विचारों में खोया हुआ है और अपने आसपास है, क्या कार्य हो रहा है इससे अनजान है। आसपास के सराउंडिंग में जो कुछ घटना हो रहा है इससे अनजान है। कहने का मतलब है कि एब्सेंट माइंडेड हम लोग उसको कहेंगे जिसका दिमाग जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं है, माइंड उसका एब्सेंट है, जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं है, पहले ही से दिमाग उसका कहीं दूसरे जगह उपायत है, तो उसको एब्सेंट माइंडेड कहेंगे कि भाई उसका दिमाग प्रेजेंट है या नहीं है यहाँ। अब पहला ही से प्री ऑक्युपाइड है बच्चा लोग से, आप किसी से बात, मान लीजिए कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, हम लोग किसी से जब बात करते हैं तो क्या आशा रखते हैं? आशा रखते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति हमारे बातों को सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, ये चीज है। तो लेकिन एब्सेंट माइंडेड व्यक्ति का साथ क्या होता है कि वो जो है उसका दिमाग कहीं दूसरा जगह पहले ही से पूरी ऑक्युपाइड होता है। जब आप उससे बात कर रहे हैं तो वो आपके बातों को सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, उसका दिमाग जैसे कि प्री ऑक्युपाइड है, कहीं दूसरा जगह खोया हुआ है। तो ये हो गया एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड के अंतर्गत बहुत सारे रूब्रिक हैं। अब इसमें है एब्सेंट माइंडेड कन्वर्सिंग ह्यूमन, एब्सेंट माइंडेड ड्रीमी, आउ है ओल्ड एज इन पीरियोडिकल है, रीडिंग वाइल्ड है, स्पोकन टू ह्यूमन है, यानी कि जब उससे बातचीत जब कर रहे हैं तब तो जैसे कि उसका दिमाग इधर उधर हो जाता है, स्टार्ट्स व्हेन स्पोकन टू। अब एब्सेंट माइंडेड है, जैसे ही आप उसको बात करेंगे ना तो इस तरह से चौंक जाता है, तो वो एब्सेंट माइंडेड है, भाई क्या हुआ। तो इस तरह है स्टार्ट्स स्पोकन टू, यानी वो स्टार्ट्स के मतलब ये भी होता है कि चौंक जाना, जर्क होता है, जब उसको से आप बात करेंगे तो चौंक जाएगा, अरे भाई
तो पहले ही से खोया हुआ है ना, तो इसमें अब बहुत सारे सब रूबरिक हैं। तो ये हो गया एब्सेंट माइंडेड, इसमें मेन चीज है कि जहां उसका माइंड होना चाहिए वहां पर नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड देखते हैं क्या है भाई। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब भटक जाना, माने वहां से हट जाना, हट जाना। कपोल कल्पना भी होता है एब्स्ट्रैक्शन का, मतलब ध्यान पथ भ्रष्ट होना, सार ग्रहण करना, ये सब होता है इसका मतलब हिंदी। द स्टेट ऑफ थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज अराउंड यू, माने किसी चीज में के बारे में डीपली सोचना, सोचने लगना और उस चीज पर ध्यान नहीं देना। अराउंड यू, जो चीज आपके आसपास में है उस पर ध्यान नहीं दें, विचारों में इस तरह मग्न रहने की अवस्था को कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, कि आसपास की गतिविधि की तरफ ध्यान ही नहीं जाए। ये हो गया एब्सेंट माइंडेड। ये तो देखिए आप इससे आप जैसे कि आप दोनों में डिक्शनरी मीनिंग से नहीं समझ पाए, समझना मुश्किल हो जाता है, दोनों को पढ़ दिएगा तो एक ही तरह के लगेगा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली वाला थोड़ा सा जान लें। देखिए एब्सेंट माइंडेड, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड में क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड में उसका मन जो है से भटक जाएगा, जैसे कि मान लीजिए दूसरे ओर चला जाएगा। अब पढ़ने बैठा कि भाई जब हमको पढ़ना है दो घंटा हम पढ़ेंगे तो पढ़ तो ना तो शुरू किया ठीक ही, लेकिन पढ़ते पढ़ते बीच बीच में उसको क्या हो रहा है कि दिमागवा जैसे कि भाग जा रहा है दूसरा दमे, खेल के मैदान में भाग जा रहा है, या कहीं आउ चला जा रहा है दिमाग को अच्छा चीज में जो है उसके पसंद के चीज उज में चला जा रहा है, ये भटक जा रहा है। फिर उधर से गए क्या सोच करने लगे, उधर दिमाग चला गया, फिर दिमाग क्या कर गया, फिर जैसे कि उसका दिमाग कुछ देरी के बाद फिर भटक। तो ये क्रम होता है कि उसका दिमाग भटक जाता है, जहां पर उसको दिमाग को जब अप्लाई कर रहा है तो दिमाग भटक जा रहा है उसका, तो ये निरर्थक चीजों की ओर चला जा रहा है दिमाग। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन, माने उस जगह से लिख से हट जा रहा है और जगह से दिमाग भटक जा रहा है, ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। ये हो गया। अब एक है एब्जॉर्ब में क्या है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है तल्लीन होना, कोई चीज में ये है निमग्न है। ब्रूडिंग माने भी होता है निमग्न होना, लेकिन भाई ब्रूडिंग और ये जो है ऑब्जर्व में एक क्या डिफरेंस है कि ब्रूडिंग वाला जो है कि समस्या के समाधान में समस्या समाधान के लिए निमग्न रहता है, कि कोई समस्या उसको है तो कैसे जैसे कि मेरा समाधान होगा। और जबकि ऑब्जर्व में ऐसा नहीं है कि समाधान के बारे में नहीं रहेगा, ऐसे ही समस्या में वो लीन रहेगा और ये समाधान सोचने का प्रयास करेगा कि कैसे जैसे कि माने इसका समाधान होगा। ये सब है, अंतर है। तो संक्षेप में ये अंतर हो गया, और अंतर है कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।